गर्मी आते ही ठंडा ठंडा मिल्क शेक तो सभी को पसंद आता है। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ 5 अलग अलग मिल्क शेक की रेसिपी। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर डिलीशियस सुपर टेस्टी मिल्क शेक की रेसिपीज को। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर खरबूजा मिल्क शेक। तो इसके लिए मैंने खरबूजे के छोटे छोटे पीस करके ग्राइंडिंग जार में डाल दिए हैं और थोड़े से खरबूजे के चंक्स बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच शक्कर, 1 ग्लास ठंडा दूध डाल दूंगी और उसके बाद डाल दूंगी थोड़े से आइस क्यूब्स और उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो अब चलते हैं हम इसे सर्व करने की प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए ग्लास में मैंने इसे सर्व कर दिया है। ऊपर से इसे गार्निश कर देंगे थोड़े से कटे हुए खरबूजे के चंक से। और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ बादाम लिया है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता, इससे इसे गार्निश कर देंगे तो एकदम मार्केट वाला लुक आएगा और आपको मार्केट वाली फीलिंग आएगी। तो ये हमारा खरबूजे का मिल्क शेक हो गया तैयार, इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। इसके बाद हम बनाएंगे बड़े और बच्चों दोनों का फेवरेट मैंगो मिल्क शेक की रेसिपी। मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मैंगो के छोटे छोटे से यहाँ पे पीसेस कर लिए हैं। तो इसे हम डाल देंगे ग्राइंडिंग जार के अंदर और थोड़े से मैंगो के चंक्स हम बचा के रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच शक्कर और आइस क्यूब्स डाल देंगे, 1 ग्लास ठंडा दूध डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये हमारा मैंगो मिल्क शेक हो गया है तैयार, इसे हम कर लेते हैं सर्व। तो सर्व करने के लिए मैंने इसे ग्लास में सर्व कर दिया है और उसके बाद ऊपर से हम इसे गार्निश करेंगे थोड़े से मैंगो चंक्स के साथ, थोड़े से कटे हुए पिस्ता और बादाम के साथ। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम मैंगो मिल्क शेक बनाइएगा तो आप इस तरह से सर्व करिएगा, तो घर वालों को आपके बहुत पसंद आने वाला है। अब हम बनाएंगे टेस्टी लेकिन सुपर हेल्दी बनाना शेक की रेसिपी। इसके लिए मैंने 2 बनाना लिए हैं और इसको छोटे से पीसेस में कट कर लिया है। इसे हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार के अंदर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच हनी और फ्लेवर के लिए डाल देंगे इलायची पाउडर, 1 ग्लास ठंडा दूध डाल देंगे। अच्छा, आधा जो बनाना है वो मैंने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए। तो बस हम ये बनाना मिल्क शेक को ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद इसे हम सर्व कर देंगे ग्लास के अंदर। ये जो मिल्क शेक है ना, वो टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी होता है, तो आप इसे बच्चों को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के साथ भी दे सकते हैं। थोड़े से बनाना के चंक्स को मैंने इस तरह से ऊपर से गार्निश कर दिया है और एक बनाना मैंने इस तरह से लगा दिया है ताकि देखने में और भी टेम्पटिंग लगे। और ऊपर से इसे गार्निश कर देते हैं थोड़े से कटे हुए पिस्ता और बादाम। ये हमारा बनाना मिल्क शेक हो गया है तैयार, इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। अब हम बनाएंगे बच्चों का फेवरेट ओरियो मिल्क शेक। बच्चों का क्या है, आजकल तो बड़ों का भी फेवरेट हो गया है और मैंने देखा है मार्केट वगैरह में ना इस तरह से मिल्क शेक पीते हुए बड़ों को भी ओरियो वाला। तो यहाँ पर थोड़े से ओरियो के बिस्किट जो है ना वो मैंने तोड़कर डाल दिए हैं ग्राइंडिंग जार के अंदर। साथ में हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून वेनिला आइसक्रीम, आइस क्यूब्स डाल देंगे और शक्कर नहीं डालेंगे इसमें क्योंकि बिस्किट्स भी मीठे होते हैं और आइसक्रीम भी मीठी होती है। 1 ग्लास ठंडा दूध डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चॉकलेट सिरप डाला है जो कि ऑप्शनल है। इसे ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद ये देखिए हमारा ओरियो मिल्क शेक हो गया है तैयार। तो इसे हम कर लेते हैं फटाफट सर्व 1 ग्लास के अंदर। सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि ग्लास में ये ना थोड़ा सा चॉकलेट सिरप इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी। ये देखिए ऐसे में ना इसका बिल्कुल मार्केट वाला लुक आएगा। ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट वाला स्टाइल। अब इसमें हम डाल देंगे ये ओरियो मिल्क शेक और सर्व करने के बाद थोड़े से कटे हुए ओरियो से हम इसे गार्निश कर देंगे तो ये देखने में और भी टेम्पटिंग लगेगा। तो ये हमारा ओरियो मिल्क शेक बनके हो गया है तैयार। अब हम बनाएंगे रू अफजा मिल्क शेक। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कटोरी ली हुई है और उसमें डाल दूंगी इस तरह से ये चिया सीड्स, और चिया सीड्स डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसे 15-20 मिनट के लिए साइड में रख दूंगी। जब तक ये तैयार हो रहा है यहाँ पर हम बना लेते हैं रू अफजा मिल्क शेक। तो रू अफजा मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने जार में डाल दिया 2 टेबल स्पून रू अफजा, 2 टेबल स्पून इसमें शक्कर डाल देंगे, 2 से 3 आइस क्यूब्स डाल देंगे और 1 ग्लास ठंडा दूध डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड होने के बाद ये हमारा रू अफजा मिल्क शेक हो गया है तैयार। तो हम करते हैं इसे सर्व। तो सर्व करने के लिए थोड़ा सा मैंने इस तरह से रू अफजा स्प्रेड कर दिया है ग्लास के अंदर ताकि और भी टेम्पटिंग लगे। ये चिया सीड्स हो गए हैं तैयार, तो इसको भी हम पहले डाल देते हैं ग्लास के अंदर और उसके बाद हम ये रू अफजा मिल्क शेक को सर्व कर लेते हैं। और सर्व करने के बाद इसे थोड़ा सा सजा देंगे हम। तो ऊपर से मैंने थोड़े से चिया सीड्स डाल दिए हैं, मेरे पास ये रोज पिटल भी था तो मैंने इसे भी गार्निश कर दिया है इसके ऊपर ताकि देखने में और भी टेम्पटिंग लगे। ऊपर से हम इसे थोड़े से कटे हुए पिस्ता और बादाम से गार्निश कर देंगे। तो ये हमारा ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग रू अफजा मिल्क शेक हो गया है तैयार। इस रेसिपी को आप इस गर्मियों में जरूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये हमारे 5 मिल्क शेक हो गए हैं तैयार, ये खरबूजा मिल्क शेक, मैंगो मिल्क शेक, बनाना मिल्क शेक,
ओरियो मिल्क शेक और ये रू अफजा मिल्क शेक। तो कैसी लगी आपको मेरी ये पांचों मिल्क शेक की रेसिपी? ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जाते जाते आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है।